विस्तार क्षेत्र से हम जुड़े रहे और मेरा काम क्षेत्र में चलता रहा। सिटिंग विधायक जी का जो टिकट कटा तो वो कहीं ना कहीं पार्टी का वो नेतृत्व पार्टी के शीर्ष नेताओं का निर्णय था, तो इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। बाकी तेजस्वी जी ने मेरे पर इतना विश्वास जताया, उसके लिए हम उनका आभार प्रकट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मेरे काम को देखकर, कहीं ना कहीं हमारे एक पॉलिटिकल इसको देख करके उन्होंने मुझ पर यह भरोसा जताया, तो उसका हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। नहीं, ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद बात है। ऐसा थोड़े ही होता है कि चुनाव के बाद आदमी गायब है, ये तो अब बेबुनियाद बात है। हम चुनाव हारने के बाद भी हम यहाँ लोगों के साथ बने रहे, उनके सुख दुख में, पर्व त्यौहार में, मतलब हमारा तो यहाँ हर 10-15 दिन में मेरा था। देखिए, विकास तो कोई भी कर सकते हैं और किसी को हटाने का काम नहीं किया गया है। अब तेजस्वी जी को मेरे पर भरोसा है, उन्होंने मेरे काम को देखा होगा, कहीं ना कहीं कुछ मेरे काम से मैंने उनका विश्वास जीता होगा, कहीं ना कहीं वो लोगों ने मुझे देखा होगा, हमारे काम से प्रभावित हुए होंगे, तब उन्होंने मुझे टिकट देने का काम किया। और आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी, आपके आधार पर आप विकास करने के लिए नियत चाहिए होती है, इसका मतलब एज से कोई लेना देना नहीं है। बड़े बुजुर्ग लोग भी विकास कर सकते हैं, युवा भी विकास कर सकते हैं, और इस क्षेत्र में अच्छा खासा विकास हुआ भी है। हमारे परिवार से बहुत लोग सांसद भी बने, विधायक भी बने, और सब लोगों ने मिलजुल कर काम किया है। दूसरे हमारे दूसरे दल के लोग भी विधायक बने, तो सबका सिमरी बख्तियारपुर के विकास में सबका बराबर का योगदान है। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई सिर्फ हम लोगों ने विकास किया और दूसरे किसी लोगों ने नहीं विकास किया। इस मुद्दों को लेकर के इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मुद्दा तो इस बार साफ है। इस बार नीतीश जी की 15 साल की जो सरकार रही है, उससे कहीं ना कहीं पब्लिक अब त्रस्त हो चुकी है। अभी देखिए, बिहार में और पूरे देश में बेरोजगारी का स्तर किस तरीके से बढ़ा है। पर कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूर हजार हजार किलोमीटर पैदल चलकर आए, रास्ते में कितनी कठिनाइयां उन्हें झेलनी पड़ी, पुलिस लाठी बरसाए, सब कुछ हुआ, और यहाँ आकर उन्हें अपने गाँव में नहीं आने दिया गया, तो ये जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं तो फूटेगा। और सरकार ने एक तरह से देखिए पूरी तरह से हाथ खड़ा कर दिया। लोग जन्म से मरण तक टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और सरकार का भी दायित्व बनता है कि जब ऐसा समय आया तो लोग को कोई सपोर्ट मिलना चाहिए। जैसे कांग्रेस ने इसके लिए कहा, न्याय स्कीम ही चला देते आप, लेकिन सरकार का कहीं किसी तरह से सपोर्ट नहीं रहा। तो मैं हूँ आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सिमरी बख्तियारपुर में एमपी केसर साहब के आवास पर हूँ मौजूद, और यहाँ पर आप जो नए प्रत्याशी जो है युवा प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर राजद से टिकट लेकर के आए हैं, चौधरी यूसुफ सलाउद्दीन साहब, आइए उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि इनको जो है टिकट किस आधार पर दिया गया, और जो सिटिंग विधायक थे राजद के सिटिंग विधायक जफर आलम, उनका टिकट काट करके दिया गया है, तो आगे की इनकी रणनीति क्या है, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपको जो है युवा प्रत्याशी के रूप में सिंह बख्तियारपुर में उतारा गया है और इस तरह से जो है सिटिंग विधायक जफर आलम का टिकट काट करके आपको दिया गया है, तो इसमें आप क्या बोलना चाहते? देखिए, हम सिमरी बख्तियारपुर में पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, बहुत अच्छा वोट आया था हमको, 40,000 से ज़्यादा वोट आया था, रनर अप हम रहे थे, और उसके बाद से लगातार क्षेत्र से हम जुड़े रहे और मेरा काम क्षेत्र में चलता रहा। सिटिंग विधायक जी का जो टिकट कटा तो वो कहीं ना कहीं पार्टी का वो नेतृत्व पार्टी के शीर्ष नेताओं का निर्णय था, तो इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। बाकी तेजस्वी जी ने मेरे पर इतना विश्वास जताया, उसके लिए हम उनका आभार प्रकट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मेरे काम को देखकर, कहीं ना कहीं हमारे एक पॉलिटिकल इसको देख करके उन्होंने मुझ पर यह भरोसा जताया, तो उसका हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। अच्छा, पहली बार विधानसभा चुनाव सिमरी बख्तियारपुर में जो है एक युवा को चुना गया है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, हम तो पिछली बार भी लड़े थे, मतलब युवा प्रत्याशी आप कह रहे हैं, ये अच्छी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। पॉलिटिक्स में युवा को होना ही चाहिए, युवाओं के पास एक अलग जोश होता है, एक अलग सोच होता है, एक उनकी विजन अलग होता है, तो पॉलिटिक्स में जितने युवा आए उनका स्वागत है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। विगत 2015 में आप LJP से चुनाव लड़े थे और यहाँ आप जो है दिनेश चंद्र यादव से आप हारे थे, लगभग आपको 40,000 वोट आया था। उसके बाद आप जो है पूरे विधानसभा में लगभग 5 सालों तक आप नज़र नहीं आए, कोरोना जैसी महामारी आई और भी बहुत सारी परेशानी आई, बाढ़ जैसी विकट स्थिति आई और आपको जनता ढूंढती रही और आप नज़र नहीं आए, इस पर क्या बोलना चाहेंगे?
नहीं नहीं, ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद बात है। ऐसा थोड़े ही होता है कि चुनाव के बाद आदमी गायब है। ये तो अब बेबुनियाद बात है। हम चुनाव हारने के बाद भी हम यहाँ लोगों के साथ बने रहे, उनके सुख दुख में, पर्व त्यौहार में। मतलब हमारा तो यहाँ हर 10-15 दिन में मेरा घर ही है, तो हम लोगों के साथ जुड़े रहे और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को भी ये चीज़ पता होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो मेरे में उन्होंने क्वालिटी देखा होगा जो हमें अपना प्रत्याशी बनाया है। ये बहुत अहम सवाल है कि आपके पिताश्री जो है LJP में हैं और आप राजद से अभी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपके लिए कैंपेन पिताश्री करेंगे क्या? नहीं, पिताश्री अभी कैंपेन नहीं करेंगे। देखिए, हमने राजद में डिसीजन लिया, हमारा ये विचारधारा के बेसिस पे हमने लिया। हमारा NDA विचार, इस पार्टी से हमारी विचारधारा मिलती है, तो ये बहुत सोच समझ कर हमने ये स्टेप उठाया। कहीं ना कहीं लगता है आपको कि विकास की लहर जो है एक युवा के ऊपर डाल दिया गया है, ताकि युवा ही ये काम कर सकते हैं और बाकी जो जो भी पहले थे उनको जो है हर जगह से हटाने का काम किया, जो भी पुराने लोग थे उनको हटाने का काम किया है, क्योंकि जनता जो है विकास चाहती है और विकास युवा ही कर सकते हैं, ऐसा सोच करके टिकट दिया गया है? नहीं, देखिए, विकास तो कोई भी कर सकते हैं और किसी को हटाने का काम नहीं किया गया है। अब तेजस्वी जी को मेरे पर भरोसा है, उन्होंने मेरे काम को देखा होगा, कहीं ना कहीं कुछ मेरे काम से मैंने उनका विश्वास जीता होगा, कहीं ना कहीं वो लोगों ने मुझे देखा होगा, हमारे काम से प्रभावित हुए होंगे, तब उन्होंने मुझे टिकट देने का काम किया। और आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी, आप किस आधार पर आप विकास करने के लिए? नियत चाहिए होती, इसका मतलब एज से कोई लेना देना नहीं है। बड़े बुजुर्ग लोग भी विकास कर सकते हैं, युवा भी विकास कर सकते हैं, और इस क्षेत्र में अच्छा खासा विकास हुआ भी है। हमारे परिवार से बहुत लोग सांसद भी बने, विधायक भी बने, और सब लोगों ने मिलजुल कर काम किया है। दूसरे हमारे दूसरे दल के लोग भी विधायक बने, तो सबका सिमरी बख्तियारपुर के विकास में सबका बराबर का योगदान है। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई सिर्फ हम लोगों ने विकास किया और दूसरे किसी लोगों ने नहीं विकास किया। इस मुद्दों को लेकर के इस बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा तो इस बार साफ है। इस बार नीतीश जी की 15 साल की जो सरकार रही है, उससे कहीं ना कहीं पब्लिक अब त्रस्त हो चुकी है। अभी देखिए, बिहार में और पूरे देश में बेरोजगारी का स्तर किस तरीके से बढ़ा है। नौकरियां ख़त्म हो गई कोरोना महामारी के बाद, और लगभग एक आंकड़ा हमने पढ़ा था, 15 करोड़ नौकरियां ख़त्म हो गई। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी आप देखिए, अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई है, -23.9% पे GDP जाकर गिर गई है। तेल का दाम बढ़ रहा है, नॉर्मल फूड कमोडिटीज़ का दाम बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तो कहीं ना कहीं पब्लिक अब इस चीज़ से बहुत नाखुश है, निकलना चाहती है। और तेजस्वी जी ने जो वादा किया है, वो सबसे उनका सबसे बड़ा जो अभी वादा है कि वो आते साथ पहले कैबिनेट बैठक में पहले कलम से पहले हस्ताक्षर से 10 लाख स्थाई नौकरियां देंगे, स्थाई उसके अलावा अलग नौकरियां। तो रोज़गार बहुत बड़ी चीज़ है, तो रोज़गार के ऊपर इस बार लड़ा जाएगा चुनाव, रोज़गार के ऊपर, डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर, इन चीज़ों पर लड़ा जाएगा। और कहीं ना कहीं देखिए, इस बार कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूर हज़ार हज़ार किलोमीटर पैदल चलकर आए, रास्ते में कितनी कठिनाइयां उन्हें झेलनी पड़ी, पुलिस लाठी बरसाए, सब कुछ हुआ, और यहाँ आकर उन्हें अपने गांव में नहीं आने दिया गया, तो ये जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं तो फूटेगा। और सरकार ने एक तरह से देखिए पूरी तरह से हाथ खड़ा कर दिया। लोग जन्म से मरण तक टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और सरकार का भी दायित्व बनता है कि जब ऐसा समय आया तो लोग को कोई सपोर्ट मिलना चाहिए। जैसे कांग्रेस ने इसके लिए कहा, न्याय स्कीम ही चला देते आप, लेकिन सरकार का कहीं किसी तरह से सपोर्ट नहीं रहा। तो इस चीज़ को पब्लिक कहीं ना कहीं, इससे पब्लिक बहुत निराश हुई है, और सरकार के प्रति जो ये निराशा है, अब हमको लगता है ये चुनाव के बाद अब ये पब्लिक अपना मन बना चुकी है और पब्लिक अपना जवाब देने वाली है। 10 नवंबर को जवाब मिल जाएगा।
तो जी हाँ, ये से यूसुफ सलाउद्दीन साहब, ये जो है युवा नेता हैं और सिमरी बख्तियारपुर से इस बार राजद से चुनाव लड़ रहे हैं, और इनका कहना है कि नीतीश कुमार का 15 साल जो है ये काफ़ी विकट स्थिति में गुजरा है। डेवलपमेंट का कोई कहीं पर देखा नहीं कि आप डेवलपमेंट के क्या है नहीं है। इस बार हम लोग डेवलपमेंट पर लड़ रहे हैं और जब तक हमारी सांसें रहेंगी तब तक हम लोग लड़ेंगे और जनता के हित में काम करने का काम करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द बॉस न्यूज़।